हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए लगातार हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासेस भी लेकर के आते हैं और कई सफल विद्यार्थियों के इंटरव्यूज भी आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करना चाहिए। और इसी बीच इसी के लिए हाल ही में जो RAS 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसके अंदर हरिजीत चौधरी सर का 269th रैंक के साथ में RAS में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सभी आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम जानेंगे सर से कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और सर ने किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की असफलताओं को भी प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसके बाद मोटिवेट रहते हुए कैसे इन्होंने जो है RAS जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक किया और इस बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। तो सर्वप्रथम सर, मैं चाहूंगा कि हरी जी सर आप एक बार अपना इंट्रोड्यूस जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो हमारे सभी विद्यार्थियों को देने का प्रयास करिएगा। सभी साथियों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं राजस्थान का जो जिला है हनुमानगढ़, उसकी तहसील राउतसर, वहाँ के पास में ही गांव है निनाण में, RD। तो बेसिकली मैं वहीं से बिलोंग करता हूं और मैं 2018 से लगातार इसी की तैयारी कर रहा था, जिसे RAS और UPSC दोनों की। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जी सर, अब मैं एक बार सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी जो आपका शैक्षणिक परिदृश्य रहा है, जैसा कि आपने अपनी 10th कहाँ से करी है, 12th कहाँ से करी है, ग्रेजुएशन में आपने साइंस आर्ट्स या कॉमर्स कौन सा बैकग्राउंड रहा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो है वो ज्यादा RAS बन सकते हैं, या जो इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, या फिर ये आजकल जैसा कि हमारे मेंस के अंदर जो अकाउंट का पोर्शन और मैनेजमेंट का पोर्शन ऐड होने से कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आता है कि इससे अकाउंट वाले विद्यार्थियों का ही बेनिफिट होता होगा। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आपने किस प्रकार से जो है समझा था, और साथ ही साथ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे इसमें हेल्प किया था, ये भी बताइएगा। सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली नॉन मेडिकल, या जिसे कहते हैं PCM, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा। और सामान्यतः मुझे लगता है कि बैकग्राउंड ये होता है कि सामान्यतः 10th में ठीक ठाक परसेंट होते हैं तो उसको PCM दिला देते हैं। और ये डिसीजन लगभग लोगों का अपना नहीं होता, और उसी तरीके से मेरा भी था, मेरा अपना नहीं था, ये घर वालों ने कहा कि ये लेना है। अब बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, और जितने भी, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आर्ट्स से थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने करेक्ट किया है और बहुत अच्छी रैंक भी आई। बहुत सारे लोग थे कॉमर्स थे, उन्होंने से इस सब्जेक्ट से भी क्लियर किया है। तो सब्जेक्ट मुझे लगता है मायने बहुत ही कम रखता है। स्पेशल तौर पर जो मेंस में जाके, अगर मेंस के आप सिलेबस देखोगे तो थोड़ा सा कॉमर्स के स्टूडेंट को बेनिफिट है, थोड़ा सा आर्ट्स के स्टूडेंट को बेनिफिट है, थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट को बेनिफिट है कि उसका पेपर टू है वो साइंस उसमें आती है, थोड़ी सी समझने में ईजी होती है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है जो RAS का सिलेबस है वो देता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपने मोटिवेशन के साथ में लगातार मेहनत करनी है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रही हो, या आपके जो है परसेंटेज वगैरह वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि 10th और 12th की परसेंटेज के बेस पर तो केवल और केवल हमें सब्जेक्ट दिलवाई जाती है, और वो भी डिसीजन हमारा नहीं होता है, वो भी हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे जो बड़े भाई बहन है वगैरह वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको साइंस दिलवानी है, इसको कॉमर्स दिलवानी है, इसको आर्ट दिलवानी है, और वही डिसाइड करके हम तो बस पढ़ने का एक काम करते हैं। सर, मैं आगे ये जानना हाँ चाहूंगा जी, कि आपने RAS के प्री एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो सर तैयारी लगातार देता रहता है, लेकिन जो बात करें RAS मेंस एग्जाम की, तो उसके लिए रिटर्न यानी हमें जो है लिख करके आना होता है, और हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें एग्जामिनर को समझाना होता है कि इसका आप क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया, और मेंस के लिए रिटन प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज कितनी ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहा है रिटन एग्जाम की, तो वो कैसे जो है अपनी शुरुआत कर सकता है सर? सर देखो, जो आपने सही कहा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो बड़ा ही ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से हैंडल कर लेते हैं। पर जो मेन इसमें गेम है वो रिटन का है।
रिटर्न के लिए मैंने भी काफ़ी टेस्ट प्रैक्टिस की, मैंने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से मैं जुड़ा हुआ था, जी तो यहाँ पे कंटिन्यू टेस्ट होते थे। ट्राई करता था कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो उसको 2 घंटे 45 मिनट में या 50 मिनट में कंप्लीट करें, ताकि वहाँ पे भी पेपर को थोड़ा प्रेशर हैंडल होता है तो उस हैंडल कर सकें और उसको पेपर को आराम से टाइम पे कंप्लीट कर सकें। तो रिटर्न की प्रैक्टिस होती है, और दूसरी कंटेंट भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है मैं रिटर्न की प्रैक्टिस ही करता रहूँ, कंटेंट है ही नहीं, तो आप नंबर कंटेंट के मिलेंगे। तो आपको दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है कि कंटेंट भी अच्छा हो और रिटर्न की प्रैक्टिस भी अच्छी हो, ताकि पेपर ना छूटे और आप अच्छे से लिख दो। बात करें अगर बाकी चीज़ों की, जैसे रिप्रेजेंटेशन वगैरह की या राइटिंग वगैरह की, देखो मेरी राइटिंग ठीक ठाक ही है सर, इतनी अच्छी राइटिंग मैं नहीं मानता मेरी, और रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक ही है, पर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अगर उस पर ही लिखते हो, आप ट्राई करें, जो भी आप जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया और आपने उसको लिखा टेस्ट सीरीज में, तो आप एक बार घर आके जरूर उसका जब आंसर देखें तो जरूर देखें कि आपने वो चीज़ लिखी है कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से पूछा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसका संवैधानिक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बताते हैं कि 300 कै में ये है वो है, तो उसने प्रश्न क्या है कि संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति है कि सबसे पहले तो वो संवैधानिक अधिकार है, हाँ वो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार नहीं है, पर संवैधानिक अधिकार है, उसको बाद में जाके 300 कै में जोड़ दिया गया वहां से हटा के मूल अधिकार से। तो थोड़ा सा जो प्रश्न घुमा के ये है कि जो 300 कै को लिखेगा उसको 2 में से 1 नंबर मिलेगा, जो ये बात लिखेगा कि हाँ संवैधानिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं, उसको 1.5 नंबर 2 नंबर से भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर अपने को देना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और जो अगर हम बात करें 10th या 12th की या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की, तो वहां पर अगर हम क्वेश्चन में नहीं समझ रहे हैं फिर भी हम कॉपी भर के आ रहे हैं तो एक चांस रहता है कि हम पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक आरएएस अधिकारी बनाया जा रहा है, आपको हो सकता है तहसील आपके हाथ में दी जाए या आपके साथ में पूरा खंड आपके अंडर में आ जाएगा, और एसडीएम बनते हैं तो एक तरह से आप उप जिला अधिकारी के बराबर कार्य करते हैं, तो उस लेवल का पद आपको दिया जा रहा है। और आप अगर कॉपी में कुछ भी लिख करके आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके लिए सुटेबल भी होंगे। और सर ने बिल्कुल सही बताया कि जैसे संपत्ति का अधिकार जो है उसकी संवैधानिक स्थिति बतानी है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें वो संपत्ति का अधिकार है या मूल अधिकार है, या हमारा संवैधानिक अधिकार है केवल, या फिर मूल कर्तव्य है, या नीति निर्देशक तत्व है। जब हमें यही नहीं पता और हम डायरेक्ट अगर अनुच्छेद केवल लिख करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में ये जरूर आएगा कि इसने केवल और केवल रट्टा मार रखा है, इसने चीजों को समझा नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आंसर जो देना है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, जो पूछा गया है वही बताना है। अगर आपसे कई बार जैसा ऐसा इंटरव्यू में बताया जाता है कि आपका नाम पूछा गया है तो आपको अपना नाम ही बताना है, हम पूरा इंट्रोडक्शन देने बैठ जाते हैं, तो वैसा ही यही पैटर्न आपको आरएएस मेंस में भी ध्यान रखना है कि जो पूछा है वही बताइए, शॉर्ट एंड क्रिप्ट जो कहते हैं अपन, उस वे में बताना चाहिए। इसके बाद में सर, जी सर, जैसा कि आपने बताया कि रिटन एग्जाम के अंदर कंटेंट और उसको प्रेजेंट करने का तरीका दोनों ही बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो प्रेजेंट करने की स्किल जो है वो तो मुझे लगता है या तो एक आप प्रैक्टिस से ज्यादा ला सकते हैं, और दूसरा आप जो है मॉडल आंसर जो भी टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपीज को चेक करके आप लगा सकते हैं, अपना एक तरीका चेक कर सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से इन्होंने लिखा था कि हमें भी एक अच्छे मार्क्स मिल सके। लेकिन सर, अब मैं जानना जी सर, चाहूंगा कि विद्यार्थियों को जो कंटेंट है वो कौन सा फॉलो करना जी सर, चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सर अभी आप जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के टीचर्स हैं, एजुकेटर जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सब काम कर रहे हैं, तो कैसे बच्चा ये ध्यान मतलब पता लगा सकता है कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए सूटेबल रहेगा। सर मैं मेंस के परस्पेक्टिव में एक बात कहना चाहूंगा कि कंटेंट बहुत है मार्केट में। मुझे लगता है कि मार्केट में कंटेंट की बाढ़ है, और उस बाढ़ में खुद को बचाए रखना भी एक चुनौती है कि नया, स्पेशल तौर पे ऐसा होता है स्टार्टिंग में, तो नया कैंडिडेट होता है उसको कंटेंट का पता नहीं होता, वो कुछ भी एक पढ़ लेता है, दूसरा पढ़ता है, तीसरा पढ़ता है, उसको लगता है अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा एक सीमित सोर्स रखें और हो सके उतने ऑथेंटिक रखें। जैसे पॉलिटी है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ें, अगर जियोग्राफी है तो आप हरिमोहन सक्सेना सर की बुक पढ़ें, अगर आर्ट एंड कल्चर है तो 9th 10th की आरबीसी पढ़ें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसकी कोई भी कंटेंट छोटा सा पढ़ लें, क्योंकि बहुत बहुत छोटा सा कंटेंट है। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ही इंडिया की, और जो सर्वे टॉपिक में अपने सिलेबस में है वो पढ़ें, और जो टॉपिक राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के हैं वो लगभग सर्वे पूरी है राजस्थान की, तो वो पढ़ें।
इसके अलावा जैसे हिंदी है तो नवीन हिंदी की बुक जरूर पढ़ें, उसको कम से कम वो रट्टा हो तभी दूसरी बुक पे जाए, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे पब्लिकेड है तो उसकी बहुत सारी बुक आती हैं, पर मुझे मैंने राजकुमार कसवा सर की बुक पढ़ी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो ट्राई करें कि कंटेंट को ऑथेंटिक ज्यादा रखें, और कोई भी अगर आपको लगता है कि मेरे का जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी का कंटेंट नहीं आ रहा, तो किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लें और उसमें संतुष्ट रहें कि ठीक है ये इनफ है जो भी है। तो जैसा कि सर ने आपको सभी सब्जेक्ट का लगभग जो है बता दिया है कि कौन सा कंटेंट आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ सर ने बिल्कुल आपको कहा है कि एक ऑथेंटिक जो कंटेंट होता है उसको ही फॉलो करें। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार जो है विद्यार्थी ये सोचता है कि इतना ज्यादा कंटेंट है वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, और सब पढ़ने जाओगे तो आप एक सब्जेक्ट के मास्टर तो जरूर बन जाओगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और हमें आरएएस में चयन करवाना है, और हमें पूरा जो है एक खंड कहते हैं या जिसे आप कह सकते हैं उपखंड वगैरह आपके हाथ में पूरा दिया जा रहा है, तो वो अब उपखंड के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से आपके पास में अपने सिलेबस में भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को कैसे संभालना है और वो तभी पॉसिबल है इस सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना जब आप ऑथेंटिक कंटेंट और एक ही कंटेंट को मल्टीपल बार रिविजन करें और ज्यादा से ज्यादा उसे लिखने का प्रयास भी करें। आगे सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी जैसा कि आरएएस प्री की अगर बात करें थोड़ा सा, क्योंकि मेंस के बारे में अपन ने इनको कंटेंट्स के बारे में अपन ने बात कर ली जैसा कि, और प्रेजेंटेशन के बारे जी में सर, बात कर ली। सर प्री के अंदर जैसा कि जी सर, अभी जो है 2023 की अगर कट ऑफ देखें तो एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आ गई थी, या कह सकते हैं एक थोड़ी सी हाई कट ऑफ है। तो ऐसे में जी अगर सर, हमें प्री को भी जो है ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि अगर ऐसा कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जावे, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो जाए, तो हम उससे कैसे बचें और एक कौन से तरीके से तैयारी करें कि हमारी कट ऑफ 100% के लिए। सर प्री की कट ऑफ की बार निश्चित रूप से जिसकी उम्मीद थी वो उससे ज़्यादा ही रही। मैं पिछली 3 बार से 2 बार से प्री दिया, तीसरी बार भी प्री दे रहा था। मैंने खुद में पर्सनल सोचा था कि 85 के करीब या 90 के करीब कट ऑफ रहेगी, पर वो कट ऑफ इतनी नहीं रही और ज़्यादा रही। इसका मैं यही कहूँगा कि आप कंटेंट को थोड़ा सा प्री के लिए क्या, जितना ज़्यादा कंटेंट हो और अच्छा ज़्यादा मतलब जो टॉपिक है उस पर एक बिल्कुल लिमिटेड सोर्स पढ़ें और बार बार पढ़ें। आप देखा होगा कि बहुत ही ईजी, जैसे इंदिरा रसोई योजना है उसे किसने आया, बहुत सारी इजी प्रश्न आए, तो इस वजह से प्री की कट ऑफ बढ़ी। दूसरा मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेस इतने ज्यादा हैं आज के दिन कि एक व्यक्ति जो गांव में बैठा है उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास कोई आसपास कोचिंग नहीं है, तो वो भी ठीक ठाक तैयारी कर लेता है। और जिसकी अच्छी रटने की क्षमता है, जिसकी अच्छी याद रखने मेमोरी पावर अच्छी है, वो सामान्यतः प्री करियर कर देते हैं। और बाकी कई बार क्या होता है एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसी होती है चीजें कि सवाल अपने ऑप्शन एलिमिनेट करके भी प्री हेल्प मिल जाती है प्री में, ये सब चीजें हैं। तो आप किसी, मेरे को लगता है कि प्री का एक रूल है कि आप किसी में भी कमजोर ना हो और किसी में भी सुपर ना हो, मतलब आप कोई भी जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी में भी आपको ऐसे सुपर टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है, पर किसी में भी बहुत ही कमजोर, जिसके कई लोग कहते हैं मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसी तरह आपको हिस्ट्री थोड़ी सी आती है पर इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कम आती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़े में एवरेज प्लेयर बनने की ट्राई करें। तो बेसिकली ये कह सकते हैं हम आरएएस प्री के लिए कि हमें बैलेंसिंग तरीके से तैयारी करनी है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है और किसी भी सब्जेक्ट का एकदम जी से पीएचडी लेवल तक का ज्ञान भी नहीं प्राप्त करना है। सर जी अभी तक हमने जैसा कि आरएएस की जो है रणनीति को लेकर के बात करी, अब इस तैयारी के लिए इससे पहले आपने बहुत सारे कई एग्जाम दिए होंगे जिनमें हो सकता है कि आपको सर, सफलता प्राप्त हुई हो, असफलता प्राप्त हुई हो, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे विद्यार्थियों को असफलताओं के बारे में बताएं, क्योंकि हर जगह सफलता का स्वर तो होता ही है लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी असफलताएं भी हैं वो जरूर पता चले, ताकि विद्यार्थी जो है धैर्य बनाए रख सके, क्योंकि एक बार नहीं होने पर विद्यार्थी सोचता है बस अब नहीं होगा, लेकिन वो अगर जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी बैकग्राउंड को चेक करें, उन्होंने कितनी असफलताएं प्राप्त करी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होकर के पुनः तैयारी में लग सकता है। तो एक बार सर आप अपनी जो भी आरएएस के इस एग्जाम से पहले जो भी एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन हुआ है या जिनमें नहीं हुआ है वो एक बार विद्यार्थियों को बताएं। अच्छा मैं सभी को कहना चाहूंगा कि ये लंबी तैयारी है, उसके असफलताएं पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में मानता हूँ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा लाइन से कि जैसे मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की,
तो सबसे पहले मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, मैं तैयारी आरएस की कर रहा था, पर कांस्टेबल का एग्जाम दिया ताकि पता चले कि कैसा हूँ। मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, पेपर पास हुआ, उसके बाद फिजिकल नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है 13 चक्कर वो काटने थे, 10 चक्कर वो कटे थे, ठीक है। तो ऐसा वो असफलता मिली। उसके बाद एलडीसी का एग्जाम मैंने दिया, शायद 17 या 12 अगस्त 2018 को एग्जाम था। उसके बाद में वो एग्जाम हुआ, एग्जाम पास हुआ, टाइपिंग दी, टाइपिंग भी ठीक ठाक मुझे आती थी तो मामला ठीक हुआ। लास्ट में जाके डीवी हुआ, डीवी के बाद में जो जो 2 गुना में से 1 गुना की लिस्ट आती है उसमें फाइनल सिलेक्शन 0.25 से नहीं हुआ, तो ऐसे करके वो एलडीसी रह गया। उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था 2018 वाला, वो पेपर पास हुआ, फिजिकल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2018 का आरएस का एग्जाम दिया, प्री पास हुआ, मेंस 330 मार्क्स आए, 344 कट ऑफ थी, अगेन मेंस नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया पटवारी का, पटवारी का एग्जाम नहीं हुआ, शायद मैंने उसको हल्के में ले लिया। उसके बाद मैंने वीडियो का दिया, प्री दिया, प्री पास हुआ, मेंस दिया, अगेन 1-2 नंबर से वो मेंस रह गए। उसके बाद जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिया मैंने, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2020, मैंने उसका रिटर्न क्वालिफाई किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक वैकेंसी आई थी आरपीएससी में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिस रेफर होगी, तब बारह मैंने उसकी तैयारी की, ऑप्शनल तैयार किया, सब तैयार किया, अगेन पेपर पास हुआ, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट आया, नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे ऐसे लगने लग गया थोड़ा सा कि शायद एग्जाम नहीं होंगे, कि ऐसा क्या हो गया। तो मैं भाटिया सर, जो प्रवीण भाटिया सर है भाटिया आश्रम के संस्थापक, वो मेरे कंटिन्यू टच में है, मैं यहीं रहता हूँ असुरतगढ़ में, मैं उनको भी बोला सर मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मेरा सिलेक्शन शायद ही हो, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है जिसमें 2 इंटरव्यू में दे दे रखा है और इतने सारे एग्जाम दे दिए, हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार आप और दो, आप मेरे कहने पर 6 बार मैंने और ट्राई करो, आप होगा 100% मैं श्योर हूँ। फिर मैंने यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, जो मेरा एग्जाम पहले नहीं हुआ था वो मेरा इस बार हो गया, और 17 नवंबर 2023 जिस दिन मेरा आरएस का रिजल्ट आया शाम को, उस दिन सुबह मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की ज्वाइनिंग आई, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए सुखद रहा, जिस आरएस में मैं 2018 में फेल हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था, उस आरएस को मैंने आपकी बार अगेन 269 में ठीक ठाक रैंक मानता हूँ, मे भी एक्सपेक्टेड जितनी उम्मीद की थी उतनी नहीं आई, पर होता है ऐसा, तैयारी और कर लेंगे, पर वो अगेन पास हो गया। तो मुझे लगता है कि 10 एग्जाम मैंने अनक्वालिफाई हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, पर जो एग्जाम में अनक्वालिफाई हुआ उसको मैं क्वालिफाई करके, मुझे लगता है कि वो ऐसा मानते हैं कि एक समय ऐसा आता है तैयारी के दौरान जब अपने को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, और ऐसा होता है। तो आप जब आपको लगने लगे कि मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा, आप मान के चलो कि उस अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया सर का जो एक समझाया है आपको, वो तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने जिस प्रकार से 2018 से लेकर के कंटिन्यूअसली एग्जाम देते गए वो सभी आपको विगतवार बताया है। अब आपने अगर विद्यार्थियों ध्यान दिया हो तो सर ने बताया कि 2018 का कॉन्स्टेबल का एग्जाम दिया था। कितनी बड़ी बात होती है जी कि सर 2018 का कॉन्स्टेबल का एग्जाम दिया और आज 2023 5 साल के बाद में आप आरएएस 2,269 रैंक है, तो जहां तक मुझे पता है आरटीएस या जो आरटीएस आपको जो है अलॉट हो ही जाएगी, और जैसा कि सर बता रहे हैं कि 1 साल और तैयारी करूंगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर अगली बार आप टॉप 10 में 100% होंगे। और देखिए, अब देखो सर यहाँ क्या सोचने वाली बात यह है कि कॉन्स्टेबल का सोचा था, और अगर 2018 में सर कॉन्स्टेबल सिलेक्ट हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद में आप सर आरएएस के लिए जो है बैठे होते इस पोस्ट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, या फिर आप सोच लेते कि चलो अब आगे पढ़ना ही बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीजें जॉब के बाद में आ जाती है एक तरह से। लेकिन आपने 2018 से जब कांस्टेबल में नहीं हुआ, इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हुआ, फिर भी आपने लगातार तैयारी जारी रखी, तो आज 5 साल के बाद में आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं सर। तो इसके लिए देखो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं विद्यार्थियों आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे देखिए 2018 में सर का नहीं हुआ, जैसा कि मेरा भी आप जानते हैं कि मैंने 2017 के अंदर जब IIT एडवांस दिया तो एडवांस में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में भगवान ने चाहा तो देखिए सर्विस में भी आ गए थे, और अब जो है आपको पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो एक असफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि बस अब पूरा होने वाला है, हो सकता है कि आपके लिए भगवान ने कुछ बड़ा रखा हो। आज कॉन्स्टेबल से तो आप सर बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, और असिस्टेंट कमांडेंट तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देश के जी सर, प्रति माने तो बहुत बड़ी पोस्ट है। आरएएस से भी एक असिस्टेंट कमांडेंट होना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो
हाँ, अब सर सर मुझे लगता है वो डेस्टिनी होती है कई बार, जैसे अपने सोचते हैं कि मैंने आरएस का सोचा, बीच में एग्जाम दिए, जी 0.25 में एलडीसी में रहने का मतलब था कि अगर आप 0.25 का एक अक्षर था, मतलब क जैसे, तो अगर एक इतना अक्षर टाइप करते तो एलडीसी लगता है, शायद आरएस नहीं लग पाता। क्योंकि तो अपने सामान्य परिवारों में ये समस्या होती है कि जैसे आप जॉब लगते हो, तो छोटी लगे हो तो बड़ी लगो, आपको वो ज्वाइन करनी होती है। जी ठीक है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ठीक है, एलडीसी से बच गया। बिल्कुल सर, मैं भी एक बात बताना चाहूंगा कि 2018 एलडीसी में मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइन इसी वजह से नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ कि मुझे आगे जाकर के कुछ बच्चों को पढ़ाना है या कुछ बड़ा करना था। अगर मैं एलडीसी ज्वाइन करता तो हो सकता है कि मैं फिर लेफ्ट भी सिलेक्ट नहीं होता, और आगे जो अब आज कार्य कर रहे हैं हम कोचिंग चलाने का, या आगे जो भी हमारा लक्ष्य है उस पर, मुझे नहीं लगता कि अगर एलडीसी में ज्वाइन कर लेता तो मैं आगे बढ़ पाता। क्योंकि कई विद्यार्थी हमारे मित्र हैं जो एलडीसी में लग गए और अब वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आगे की जो उनको कार्य करना है वो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको असफलता मिल रही है तो उस असफलता को स्वतः ही स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, आपको एक बड़ा ही मुकाम हासिल होगा। जो आज सफल हो चुके हैं, आप उनसे आगे कहीं ना कहीं बड़ी सफलता के लिए बने हैं, शायद इसीलिए आपको असफलता शुरुआत में मिल रही है। अब इसी के जी साथ सर, जी में, जैसा कि सर अपन ने बुक डिस्कशन भी कर ली है और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे किया जा सकता है वो भी सर ने आपको बताया है, और सर ने एक बार बार नाम लिया है अपने भाटिया आश्रम के बारे में, तो बिल्कुल प्रवीण सर जो है बहुत ही एक महान व्यक्तित्व कह सकते हैं, उनका काफी अच्छा कार्य भी है और वो काफी अच्छी पर्सनैलिटी है, मोटिवेट करने वाली पर्सनैलिटी है। अब मैं चाहूंगा कि सर अब एक आप अपनी तरफ से ही कुछ जो भी टिप्स या कोई रणनीति के बारे में आरएएस के लिए या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए देना चाहें तो वो विद्यार्थी को बताने का कष्ट करें। मैं कुछ बातें जो बताना चाहूंगा जो जो नॉर्मल से हटके हैं, जो सामान्यतः कैंडिडेट्स बुक लिस्ट के बारे में मैं नहीं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग और भी बता देंगे। देखो, एक तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होना जरूरी है, और फ्रेंड सर्किल का ये मतलब नहीं कि आप फ्रेंड का एक पूरा गांव ही लेके घूमो साथ में। जैसे बिल्कुल दो तीन अच्छे दोस्त होना जरूरी है जो आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे, आपसे बात करे, उस रिलेटेड आपको कोई डिप्रेशन हो, एग्जाम में नहीं हुआ, बात कर सके। मेरा याद है कि एशिया में मेरा नहीं हुआ था, रात को 12 11 के करीब रिजल्ट आया था। तो ऐसे दोस्त भी थे जो रात को पैदल चल के 2 किलोमीटर मेरे पास आए कि कोई बात नहीं, अपने कर रहे हैं, आरएस कर रहे हैं, उस टाइम आरएस का एग्जाम था। तो ऐसे दोस्त रखें, तो फ्रेंड सर्किल रखें, छोटा फ्रेंड सर्किल रखें दो तीन का, और अच्छा पढ़ने वाला रखें जो मेरे को इंपॉर्टेंट एक तैयारी का परस्पेक्टिव लगता है। दूसरा, मेरे को लगता है कि आप जो सोशल प्रेशर है, सामान्य जो गांव के से आते हैं उनको सोशल प्रेशर होता है कि इनका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इधर उधर। तो आप ट्राई करें कि जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मैं नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली के अलावा बाकी लोगों से कटने की ट्राई करें, क्योंकि फैमिली के अलावा जितने भी लोगों से आप बात करेंगे वो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आपको डिमोटिवेट कर देंगे। तो आप अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, इनसे कॉन्टेक्ट में रखें, पर बाकी लोगों से ट्राई करें कि इतना कनेक्ट ना हो, क्योंकि वो कई बार जो है वो ऐसी बात बोल देते हैं। और तीसरी जो मैं कहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी पर आप ध्यान रखें, आप रनिंग करें कम से कम वीक में 2 बार रनिंग करें। मैं रनिंग को बहुत महत्व देता हूँ। वीक में 2 बार आप रनिंग करने जाएं, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप कितने भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, 2 किलोमीटर रनिंग करिए, आपको आपको लगेगा कि बहुत ही आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये मैंने चीज नोट की है, जो कुछ चीजें अलग है तैयारी के, लंबी तैयारी के दौरान जो होता है। तो आप इस चीज को फॉलो करें और कंटिन्यू पढ़ें, डिमोटिवेट ना हो। आप जब आपको लगेगा मेरा नहीं होगा और मेरी किस्मत बुरी चल रही है, मेरे को लगता है मेरी जैसी बुरी किस्मत किसी की नहीं है, तो मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। लगभग 5 साल और 4 महीने मुझे ये लगता रहा कि मेरी किस्मत बुरी है, और नवंबर सितंबर में मुझे जब असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि किस्मत ठीक चल रही है। और वो 5 साल 4 महीने लगे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा टाइम, कई लोग होते हैं जिनको सफलता के, शायर ने कहा कि कई लोगों को सफलता घर से निकलते ही मिल जाती है, कई लोग दूर तक जाते हैं, वही बात है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है आप तैयारी अच्छे से करें, तो यही मेरी टिप्स। बहुत बहुत एक धन्यवाद सर आपका, और बहुत ही बढ़िया बातें आपने बताई, और आज का ये सेशन अपन बस 2 मिनट में समाप्त करेंगे। और लास्ट मेरी बात यही है कि जैसा सर ने बताया कि फ्रेंड होने चाहिए, लेकिन एक अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, ये बहुत जी सर, बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे, उद्योगपति रतन टाटा जी भी कहते हैं कि उनका कोई फ्रेंड है ही नहीं। वो इसीलिए ये कहते जी हैं सर, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा फ्रेंड होंगे तो ज्यादा टाइम पास करवाएंगे। तो इससे जी बढ़िया सर, है ये कि आप भी इश्यू है। ये,
बिल्कुल सर। तो अपने एक या दो ही जो है अच्छे मित्र रखें जो आपको हमेशा मोटिवेट करने का कार्य करें। ये नहीं कि हाँ अपने तो अरे कुछ नहीं, आरएस में तो घोटाला होता है, वो होता है, वो होता है, रिश्वत लेते हैं, इंटरव्यू में वो होता है। देखो ऐसी एक्सेप्शनल चीजें जो है वो पूरी धरती के ऊपर और हर वैकेंसी में 5 से 10% चलेगी ही, उसे अपन नहीं रोक सकते हैं। तो अपन तो 90% पे अगर फोकस करेंगे तो अपना चयन जरूर होगा और अपन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जी सर, किसी दार्शनिक ने कहा भी है कि जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं उसका कोई मित्र नहीं होता। ठीक जी है, जी तो उस बात को भी याद रखें। जी बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो धन्यवाद सर आपका थैंक यू, पुनः एक बार, और आगे भी जो है हम धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए आपके साथ में जुड़े रहेंगे और विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो भी आपके द्वारा और मेरे द्वारा सहयोग हो सकेगा वो हम बच्चों की सहयोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद।